ब्रो, ये सीएम पंक की सिचुएशन की वजह से ये मत भूलो कि रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का बड़ा मैच हमें फाइनली क्लैश ऑफ द कैसल में देखने को मिलने वाला है, जो कि अब बस 2 हफ्ते दूर ही है। एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। तो गाइस, सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। एंड यस, व्हाट द हेल इज हैपनिंग राइट नाउ विद ड्रू मैकइंटायर एंड रोमन रेंस? एंड नाउ यू आर लाइक, क्या हो रहा है, कुछ हो ही तो नहीं रहा। एग्जैक्टली, सबसे पहली बात तो स्मैकडाउन में हमें बड़ा बिल्ड देखने को मिलने वाला है कल को, बिकॉज रोमन रेंस इज गोइंग टू बी देयर, ड्रू मैकइंटायर इज गोइंग टू बी देयर, एंड विल सी के इनके बिल्ड में हमें ऐसा क्या देखने को मिलता है कि हमें यूनाइटेड किंगडम में जब इनके बीच क्लैश देखने को मिलेगा तो हमें एक एक्साइटमेंट फील होनी चाहिए। एंड क्या कैरियन क्रॉस कल इंटरफियर करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। क्या हमें कोई कल कोई स्टिपुलेशन ऐड होती दिखाई देगी, लाइक कैरियन क्रॉस उसमें घुस के ट्रिपल थ्रेट बना देंगे, या फिर उस मैच के अंदर कोई स्टिपुलेशन हो सकती है, या फिर चैंपियनशिप से रिलेटेड कि हाँ, रोमन रेंस सिर्फ एक टाइटल डिफेंड करने वाले हैं, मीनवाइल सेकंड टाइटल इज गोइंग टू बी डिफेंडेड अगेंस्ट कैरियन क्रॉस। बहुत सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि मुझे लगता है कि कल की स्मैकडाउन में हमें क्लियर होते दिखाई देने वाले हैं। एंड रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर की अभी हम एंडिंग्स की अगर हम बात करें, ब्रो, देयर इज नथिंग दैट यू कैन से कि यार क्या हो सकता है, बिकॉज रोमन रेंस बीइंग विक्टोरियस इज द मोस्ट क्लियर थिंग जो कि इस समय हमें दिख रहा है, कंसीडरिंग कि सिनेरियो किस तरह से रोमन रेंस के फेवर में है, किस तरह से आई डोंट थिंक सो कि WWE वांट कि चैंपियनशिप रोमन रेंस के कंधों से उतरे। तो ऐसे में क्या ये पॉसिबल होगा कि 50,000 के ऊपर बंदे ये विटनेस करेंगे कि उनका होम टाउन हीरो ड्रू मैकइंटायर, इवन दो ही हैज ए स्वॉर्ड, इज गोइंग टू लूज टू रोमन रेंस जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कजन? ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा होगा सुनने में, बट दैट इज द रियलिटी, बिकॉज ऑड्स जो है इस समय रोमन रेंस के फेवर में है। नो मैटर व्हाट यू से, यू जस्ट कैन नॉट प्रिडिक्ट द एंडिंग ऑफ रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर मैच अंटिल एंड अनलेस योर फेवरेट हीरो थ्योरी इज गोइंग टू डिसाइड कि हाँ, मैं इस मैच में घुस के इसको ट्रिपल थ्रेट बनाऊंगा, एंड आई विल मेक श्योर कि इस मैच में रोमन रेंस विक्टोरियस हो और इन द एंड ड्रू मैकइंटायर दोनों को क्लेमोर मार के अपने घर वालों को शांति से घर पे भेज सके। इफ दैट इज द प्लान, आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा बेसिक हो जाएगा। एंड इफ दिस इज गोइंग टू बी द प्लान, दैट ट्रिपल एच से डिसअपॉइंट होने वाले हैं, बिकॉज ट्रिपल एच का ये सेकेंड पे पर व्यू होने वाला है, उनका पहला ओवरसीज पे पर व्यू होने वाला है। तो ऐसे में ट्रिपल एच विल लाइक ही शुड मेक श्योर कि ऐसा कुछ ना हो कि हाँ, उनकी बुकिंग पे सवाल उठने लग जाए, बिकॉज दैट शुड बी द लास्ट थिंग ऑन योर लिस्ट कि लोग अपनी बुकिंग को कहे कि अरे, विंस का तो बॉय सुना था रोमन रेंस, ये तो तेरा भी बॉय निकला। ऐसे अगर टॉन्ट मारेंगे और आपके सर पे टपली मार के जाएंगे तो ऐसे ट्रिपल एच को अच्छा नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे में आई थिंक वी आर लुकिंग फॉर समथिंग गुड, और वो गुड एंडिंग अगर हमें क्लैश ऑफ द कैसल से देखने को नहीं मिली, देन बहुत ही ज्यादा कम हमें एक्साइटमेंट होगी जब भी अगला कभी बाहर पे पर व्यू देखने को मिलेगा। बाहर जाके बेइज्जती नहीं करानी है हमें, ये तो क्लियर है। ऑफकोर्स जो क्लीन विक्ट्री का रहने वाला है कि ड्रू मैकइंटायर क्लीन जीते, मेरे को लगता है कि उसके चांसेस सबसे ज्यादा है। मीनवाइल ड्रू मैकइंटायर के क्लीन जीतने के चांसेस मेरे को लगता है कि सबसे कम है। अगर मेरे को परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करना होगा, आई थिंक आई वुड से 80-20 का रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, 20 गोल्स इन द फेवर ऑफ ड्रू मैकइंटायर, एंड दैट टू बिकॉज कि ड्रू मैकइंटायर के फेवर में है क्राउड। अदरवाइज तो जितना उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस तरह से रेसलमेनिया 35 में हारे मैकइंटायर, सर्वाइवर सीरीज 2020 में हारे, उसके बाद से थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए ड्रू मैकइंटायर को पिक करना। अदरवाइज एक और किसी ने कंडीशन दिखाई थी कि अगर कैरियन क्रॉस बीच में आके मैच में इंटरफियर करे तो क्या होगा, बिकॉज वो भी बहुत ही बेकार चीज है, बिकॉज आप एक बड़े मेन इवेंट में किसी को ला के उस मैच का खात्मा करवा रहे हो, देन आई डोंट थिंक सो कि फैंस को वो पचने वाला है। एंड शेमस का भी किसी ने कहा था कि क्या शेमस में इन्वॉल्व होते दिखाई दे सकते हैं, आई थिंक ही शुड गेट इन्वॉल्व बिफोर द मैच कि हाँ, क्लैश ऑफ द कैसल से पहले जो स्मैकडाउन है उसमें हमें कुछ हरकतें दिखाई करते दिखाई दे जाए शेमस कि हाँ यार, मेरा भी तो होम टाउन है, मेरे को इतने अच्छा ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल रहा। इनफैक्ट शेमस इज वेटरन और वो भी WWE चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत रखे, तो मेरे हिसाब से वो भी इस कॉन्वर्जेशन में होने चाहिए थे। तो आई थिंक अगर कैरियन क्रॉस की जगह कोई और सुपरस्टार जो कि मेरे को लगता है कि इस मिक्स में ऐड हो सकता था, वो है शेमस। Anyways, definitely आप comments में लिखकर बताना Drew McIntyre versus Roman Reigns के केस में एक ऐसी scenario जो कि आपको लग रहा है कि हाँ, ये होने वाला है। I'm not saying कि आपको क्या लगता है होना चाहिए, I'm saying कि आपको क्या लगता है क्या होगा।
कमेंट्स में लिखकर बताना। और अभी हम कमेंट्स की तरफ ही बढ़ लेते हैं। सुभोजीत डे ने लिखा है कि आई एम नॉट लूजिंग टू पंक, आई विश सीना हैड सेड दिस बैक इन 2011। हु नोज, मे बी जॉन सीना ने कहा भी होगा, बट विंस मैकमैन भी लाइक, अरे यार सीना देख, हम इतने टाइम से पैसा कमा रहे, थोड़ा इस बच्चे को भी कमाने दे, खुश हो जाएगा, है ना, एक दो साल के लिए इसको टाइटल दे देते, देख लेते हैं क्या उखाड़ेगा। ऑफकोर्स बंदे ने उखाड़ तो लिया था, एंड यू आर राइट, अगर जॉन सीना उस टाइम पर अड़ गए होते, जो कि लाइक क्लियरली जॉन सीना की ट्रिपल एच की इन लोगों की यही इमेज है ना, कि ये लोग यंग टैलेंट को ओवर नहीं करते हैं। अगर एक्चुअली में सीएम पंक को किया होता तो जो रेसलमेनिया 2007 में जो सीएम पंक गन लेके आया था जॉन सीना की एंट्रेंस के टाइम पे, मुझे लगता है फिर वो रियल में लेके आता और जॉन सीना को भून देता। ओए आर्टिस्ट ट्राइज ऑल ने लिखा है कि इन 5 years इधर WWE और AEW विल बाय देयर राइवल प्रो रेसलिंग कंपनी जस्ट लाइक WCW। भाई ये तो हम खैर 2019 से बोल रहे हैं, लेकिन अभी कितना हो गया, 3 साल हो चुके हैं। मैं तो ये कहूंगा कि 2 साल और दे दो, खरीदने का तो पता नहीं लेकिन डेड तो जरूर हो जाएगी एक कंपनी, एंड वी नो कि वो कंपनी कौन सी है। हर्षित सिंगल ने लिखा कि व्हाट इफ सीएम पंक वाज नेवर इंजर्ड, मे बी ही लेफ्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम्स एंड देन AEW कन्विंस्ड हिम टू कम बैक, और इतना जल्दी भी तो आ गया वापस वो। खैर वो तो केनी ओमेगा का भी आ गया, केनी ओमेगा का भी मैंने सुना कि उनको और टाइम ज्यादा लगने वाला था, बट जस्ट बिकॉज की ट्रिपल एच ये सब हरकतें कर रहे हैं उनको लाना पड़ा। हाउएवर ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है बहुत बढ़िया है, बिकॉज देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद से सीएम पंक इंजर्ड ना हुए हो, एंड क्योंकि जो ये राइटर्स कह रहा हूँ, ये आर्टिकल लिखने वाले, न्यूज वाले, ये ऑल एलीट रेसलिंग की साइड में रहते हैं, हो सकता है कि इस न्यूज को दबाने के उनको पैसे भी मिले, वो पॉसिबल है। आशुतोष श्रीवास्तव ने लिखा कि पंक ब्लेम्स ट्रिपल एच फॉर डिफीटिंग हिम एंड नाउ ही इज डूइंग द सेम विद एडम हैंगमैन पेज। यार मेरे को ये समझ में नहीं आता कि पंक को आउट ऑफ एवरीवन ये ट्रिपल एच का ही क्यों मैच याद रहता है। इवन फैंस को भी मुझे लगता नहीं कि ट्रिपल एच वाला और सीएम पंक वाला मैच उतना याद रहता है जितना सीएम पंक ने याद दिलाया है। पीपल रिमेंबर सीएम पंक वर्सेस ब्रॉक लेसनर, पीपल रिमेंबर पंक वर्सेस सीना, पंक वर्सेस ट्रिपल एच घंटा किसी को याद नहीं था, ठीक है ना। सीएम पंक अगर अपना मुंह बंद रखे ना, कोई तो ये सोच भी नहीं पाता कि अरे इनके बीच मैच हुआ भी था, बिकॉज दैट वॉज लिटरली अनफॉरगेटेबल मैच। तो और उसके पहले भी सीएम पंक हारा है, उसके बाद भी हारा है, लेकिन उसको सिर्फ ट्रिपल एच ही दिखाई देता है, एंड ट्रिपल एच इज द गाय जिससे हारने से आप इतना शर्मा रहे हो, आर यू किडिंग मी। ट्रिपल एच ब्रो, अगर ये 1995 के ट्रिपल एच होता मान भी लेता, लेकिन यार इतना सब लेगेसी क्रिएट करने के बाद भी अगर आप हारने की ऐसे फट रही है, देन आई डोंट नो कि फिर आप इस बिजनेस में हो ही क्यों। एंड आउट ऑफ नोवेयर शांतनु ने लिखा कि इमेजिन सेथ रॉलिंस इन AEW। भाई ये इमेजिन भी नहीं, इमेजिन तो छोड़ो, ये आपने लिखा क्यों है मेरे को ये बताओ, हो सके तो इसको डिलीट कर देना, आप पे अच्छा नहीं लगता ये। देवनारक ने लिखा कि मे बी कंपनी वॉजंट रॉन्ग बट द गाय वाज, आई रियली हर्ड यू गाइज, जो कि मैंने पूछा था कि सीएम पंक के सिचुएशन के रिलेटेड आपके क्या थॉट्स हैं, एंड बेसिकली मोस्ट ऑफ देम वर इन द अगेंस्ट ऑफ सीएम पंक, so I like it। Shield Young ने लिखा कि that's why John Moxley said CM Punk is throwing pipe bombs again। मेरे को पता है क्या लगता है, वो John Moxley की line भी unscripted थी, because जब John Moxley ने backstage सुना होगा कि अरे ये CM Punk Hangman Page को क्यों challenge कर रहा है, तो उसने बोला होगा pipe bombs। भाई बहुत अच्छा catch किया आपने। शुभ घोष ने लिखा है कि भाई तुम्हारा Hangman Page से क्या problem है, मेरा कोई problem नहीं है Hangman Page से, I just don't like him as a wrestler, that's it। And if you think हर किसी को हर चीज पसंद आने वाली है, then all the best, I don't know कि आपको फिर future में क्या क्या देखने को मिलेगा। However, I do like him as a guy, I don't think so कि as a बंदा वो उतना बुरा है, इसीलिए मेरे को जब ये CM Punk ने Hangman Page को challenge किया था, मेरे को वो बात बहुत खटकी, because out of everyone, CM Punk पता नहीं ऐसे ही बंदू को क्यों चुनता है जो कि real में nice होंगे, शायद इसीलिए कि real में जो nice होता है उसको दबाना आसान होता है, Hangman Page को दबा दिया, and I think R-Truth के बारे में भी उसने पहले कुछ कहा है। I'm just saying कि CM Punk के जिनके भी साथ रियल लाइफ के पंगे हुए हैं ना, वो सारे नाइस बंदे हैं, और ऐसे में लोग सीएम पंक को पिक करते आ रहे थे इतने साल से, इट वाज अ स्टूपिडिटी मैन। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिखकर बताना रिगार्डिंग रोमन रेंस एंड ड्रू मैकइंटायर, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।